हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण सिंह और शशि ऑल ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस जगह पे मैं आया था अपने इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, लेकिन रील तो मेरा बन चुका है, मैंने अपलोड भी कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आपने रील देखना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके मेरा इंस्टाग्राम का रील देख सकते हैं। लेकिन इसी दरमियान दोस्तों, हमने काफ़ी सुना था कि नदी में कैसे जलस्तर बढ़ता है, तो यहाँ मेरे समक्ष वो चीज़ हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपको भी आज जो है लाइव प्रूफ दिखाऊं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नदी का पानी है तो यहाँ पे धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है नदी में, तो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, तो बन रहे वीडियो के अंतिम समय तक। अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये जगह हुआ है और काफ़ी सारा ऐसा पत्थर है जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, सब मतलब पानी से ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है पानी के बहाव में अंदर जाते जा रहा है। तो आप बने रहिए, मैं पीछे वाले कैमरे से आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख पाए। तो गाइज, यहां पे देखिए नदी का जल स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है। और सबसे पहले मैं आपको मेन जो पॉइंट है वहां पे देखिए, अभी जब मैं आया था तो वहाँ पर बिल्कुल पानी इस तरीके से नहीं घूम रहा था। और एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर भी जो है पानी का बहाव बहुत ही कम था यहाँ पर देखिए, और अभी जो है पानी का बहाव इतना तेज़ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये लाइव प्रूफ दिखाऊं। और यहाँ पे देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, अब इस पत्थर को ही देख लीजिए आप, ये पत्थर अभी देखिए कितना जगह हुआ है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पानी जो है धीरे धीरे ज़्यादा होते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आप, अभी ये सारा पत्थर देखिए मतलब पानी से बाहर है, लेकिन 5 से 10 मिनट में ये पूरा का पूरा जो पत्थर है ये पानी के अंदर समा जाएगा। देखिए किस तरीके से पानी का जो है बहाव मतलब तेज होते जा रहा है, ये देखिए। अभी इस पर अभी ये मेरे ख्याल से ये पुल भी पानी के नीचे आ जाएगा, अभी देख पा रहे हैं ये पुल जो है पूरा का पूरा पानी से ऊपर है, लेकिन बस थोड़े ही टाइम के बाद 5 या 10 मिनट में इस पुल के ऊपर से भी पानी निकलना बाहर हो जाएगा। अभी इस पत्थर को देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा रहा था, इस वाले पत्थर को देखिए, अभी इसमें देखिए कितना पानी है, और धीरे धीरे देखिए इस पत्थर जो है ये पानी के अंदर समा जाएगा। आप बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक दोस्तों, क्योंकि बहुत ऐसा फेक मैं कुछ वीडियो बना नहीं रहा हूँ, जो रियल है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने पत्थर देखिए, दो पत्थर है, और मैं तब तक आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। वहाँ पर देखिए पानी कितना तेज़ बहाव में घूमने लगा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये देखिए। और जिस टाइम मैं इस जगह पे आया था रील बनाने के लिए, कुछ कहीं पे पानी नहीं था, इतना पानी मतलब बहुत ही कम पानी था। और जैसा कि आप सामने लाइव प्रूफ देख रहे हैं, ये पुल जो है अभी मतलब पानी के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पुल भी पानी के नीचे समा जाएगा। और धीरे धीरे पानी जो है काफ़ी यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे पानी का अभाव हो रहा है आप देख पा रहे हैं, जो लोग को मालूम होगा देखिए यहाँ पे अभी पूरा सूखा हुआ था, गीला था, और पानी जो यहाँ पे आया है तो मिट्टी के ऊपर जो पानी है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बुलबुला टाइप का निकल रहा है। ये देखिए लाइव तस्वीर में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपको ये दो पत्थर दिखा रहा था, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक दस्ताना भी पड़ा हुआ है किसी का, ये देखिए अभी जो है ये पत्थर मतलब बहुत कम ही रह गया इसे पानी के अंदर डूबने के लिए, कुछ इस तरीके का देखिए नज़ारा है। तो थोड़ा टाइम और बने रहिए आप वीडियो में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी जो मैं आया था यहाँ से दोस्तों, इस साइड ये साइड से होके आया था, अभी यहाँ पे देखिए ये जो पत्थर पूरा का पूरा जगह हुआ था, अब यहाँ पे भी देखिए पानी जो है मतलब ज़मीन के ऊपर आया, तो ज़मीन में काफ़ी दिनों से पानी नहीं गया था, तो अब यहाँ पे देखिए बुलबुला निकल रहा है। और ये देखिए ये मतलब पुल का पाया है, लेकिन इसके ऊपर पुल बना हुआ है नहीं, तो इसलिए पत्थर के साइड से ही हम अभी आए थे जस्ट। और अभी जस्ट जो है पूरा देखिए पानी से कैसे पूरा लबलबालब भर चुका है। और जिस पत्थर का मैं बात कर रहा था ना, ये देखिए अभी पत्थर जो है पूरे तरीके से पानी में समा चुका है, ये देखिए लाइव तस्वीर, ये देखिए दो पत्थर जैसे का तैसे है और पानी के नीचे ये दोनों पत्थर आ चुका है। और यहाँ पे देखिए भेड़ बकरियाँ, ये लोग भी आया था चढ़ाने के लिए, वहाँ पे देखिए बकेलिया जो भेड़ बकरी चढ़ा रहे हैं, और देखिए भेड़ बकरी अभी
यहाँ पे आए पानी पीने के लिए। वहाँ पे देखिए पानी सब पी रहा है और नज़ारा जो दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत है, प्राकृतिक नज़ारा है। यहाँ पे देखिए पानी भी कितना तेज़ हो चुका है देखिए। और यहाँ पे देखिए ये पत्थर, इस पत्थर को मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि ये पत्थर इससे पहले कितना डूबा जगह हुआ था, आप देखिए कितना पानी के नीचे जा चुका है और धीरे 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 और भी पानी का मतलब रफ्तार जो है बढ़ते जा रहा है, पानी जो है ज़्यादा होते जा रहा है। और थोड़ा आपको आसमान का नज़ारा दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर है अभी थोड़ा सा रह गया और आप देख पा रहे हैं ये सामने ये है और एक जस्ट इसके सामने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ कोई मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, आप सामने देख पा रहे हैं। और पानी में देखिए मछली सब भी थोड़ा छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो भी अभी बाहर आ चुकी है पानी से। ये देखिए अब जो है पूरी तरीके से पत्थर जो है पानी में बस डूबने ही वाला है। और इसके ऊपर देखिए छोटा छोटा जीव जंतु जो है ना, अभी जो पानी जस्ट ज़्यादा हुआ है तो देखिए पत्थर के ऊपर कैसे घूम रहा है अपना जान बचाने के लिए, देख पा रहे हैं आप। और इस पत्थर के भी ऊपर देखिए छोटी छोटी चींटियाँ, चींटी जो है आपको दिखाई दे रही होगी, वो भी जान बचाने के लिए ये देखिए पत्थर के ऊपर घूम रहा है कि किधर से मैं अपना जान बचा लूँ। बस देखिए अब पत्थर जो है पूरी तरीके से पानी में समा चुका है और पुल भी काफ़ी पहले जगह हुआ था, अब देखिए पुल के कितना करीब आ चुका है पानी। देखिए देखिए दोस्तों ये देखिए ये पत्थर जो है एक पूरे तरीके से डूब चुका है पानी में और बस एक ही पत्थर अब रह गया है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि जी नदी में जलस्तर कैसे बढ़ता है और किस तरीके से पानी का तेज़ बहाव आता है, तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ का लोकेशन कैसा है, देखिए दृश्य कैसा है, इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस जगह का मैंने एक वीडियो और डाला है अपने चैनल पर, एक या दो वीडियो शायद डाला है, मुझे ध्यान नहीं है। तो इस जगह का लोकेशन मतलब दृश्य इतना अच्छा है कि मैं यहाँ हमेशा ही आता हूँ रील बनाने के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई ब्लॉग लेकर के, तब तक के लिए बाय दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें।